हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेश टहरी, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप अभी ठंड के मौसम में कुछ मछलियों को पालन करना चाहते हैं तो मैं आज के इस वीडियो में मैं रूपचंदा मछली पालन के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, रूपचंदा मछली को बहुत जगह पाकू कहा जाता है और ये मछली सभी प्रकार के खाने को खाती है। ये कार्निवोरस खाना भी खा सकती है, ये आपकी शाकाहारी खाना भी खा सकती है। क्योंकि देखिए, आजकल कंपनी वाला जो फीड आ रहा है वो दो प्रकार की आती है, एक तो प्लांट बेस्ड जिसमें प्रोटीन रहता है और एक एनिमल बेस्ड जिसमें प्रोटीन रहता है। तो अगर हम लोग रूपचंदा मछली का पालन करना चाहती हैं तो ये दोनों प्रकार के फीड को एक्सेप्ट करती है। इसी वजह से रूपचंदा मछली को पालन करना बहुत ही आसान है। लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए, रूपचंदा मछली एक दूसरे को डैमेज पहुंचाने वाली मछली है। इसी वजह से इस मछली को आप कोशिश करिए कि आप सिंगल स्पीसीज का ही पालन करिए, सिर्फ उस तालाब में रूपचंदा मछली के ही बच्चे और वो मछलियां होनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरे मछली को डैमेज पहुंचा सकती है। दूसरी बात, आप जैसे हम लोग एमसी का पालन करते हैं तो हम लोग तालाब की तैयारी पर फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पर रूपचंदा मछली के पालन में तालाब की तैयारी का महत्व तो जरूर है, लेकिन प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग हम लोग रूपचंदा मछली के लिए नहीं कर सकते। इसको आपको कमर्शियल फिड खिलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ सरसों खली राइस ब्रांड डाल रहे हैं उससे भी ये मछली अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। आपको कमर्शियल फिड रूपचंदा मछली को खिलाना पड़ेगा। दूसरी बात, तालाब की तैयारी में हम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, आप मिट्टी और पानी का टेस्टिंग करवाइए, उसके पीएच लेवल, है ना, आयरन लेवल, ये सबको आप टेस्ट करवाइए। उसके बाद उस तालाब का जहाँ पर आप फार्मिंग करना चाहते हैं उसकी खुदाई करवाइए, और आपको एक काम करना है कि एक लेयर आपको चूने का जरूर उसमें बिछाना है पर एकड़, लगभग 100 किलो चूना अगर आप बिछा देंगे बेड में, फिर उसको अच्छे से जुताई कर दीजिए, मिट्टी के साथ चूना है मिक्स हो जाए, फिर उसमें आप 4 फीट उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा में आप DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और थोड़ा मात्रा में सरसों खली और राइस ब्रैन, इन सभी को आपको फर्मेंटेट करके आप एक घोल टाइप का चाहें तो डाल दीजिए, ताकि पानी का कलर है वो बढ़िया हो जाए। क्योंकि एकदम साफ पानी में मछली पालन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पानी को आप दूसरे कलर में परिवर्तन करके अगर आप डालेंगे तो उससे जरूर फायदा होगा, आपके वाटर पैरामीटर्स अच्छे से मेंटेन रहेंगे। तो थोड़ी मात्रा में आप DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और उसमें सरसों खली राइस ब्रैन, इसको मिक्स करके आप अपने तालाब में डाल देंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है कि अब मछली छोड़ने का समय जब आएगा तब आपको ध्यान देना है कि स्टॉकिंग डेंसिटी प्रॉपर रूप से होना चाहिए। पर एकड़ हम लोग रूपचंदा मछली को लगभग 7,500 से मैक्सिमम 7,500 तक हम लोग पर एकड़ रूपचंदा मछली को तालाब में छोड़ते हैं। और जब स्टॉकिंग के समय एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि मछली का जो साइज है और जो भार है वो एक समान होना चाहिए। मान लीजिए आप 10 ग्राम का छोड़ रहे हैं तो सभी मछलियां 10 ग्राम का हो, क्योंकि अगर छोटी बड़ी मछलियां निकली तो ये एक दूसरे को डैमेज पहुंचा सकती है। तो कोशिश करिए कि मछलियों का जो भार है और साइज है वो सिमिलर हो, ताकि आपकी सभी मछलियां इक्वली साइज में ग्रोथ करें। दूसरी बात बात करें अगर फीडिंग की, तो फीडिंग फीड के रूप में आपको फिश मील बेस्ड प्रोटीन वाला खाना ही खिलाना है। आप देखिए, जो हम लोग IMC को खिलाते हैं उसमें ज़्यादातर आपकी प्लांट बेस्ड इंग्रीडियंट्स उपस्थित होती है, लेकिन वही मांगुर मछली, सिंघी मछली को जो हम लोग खिलाते हैं उसमें फिश मील की मात्रा होती है, बोन मील की मात्रा होती है ना, जिससे आपका जो फीड का जो खुशबू है वो बदल जाती है, उसकी कंपोजिशन बदल जाती है, उसकी प्रोटीन की जो उसमें कंटेंट है उसकी मात्रा बढ़ जाती है अगर आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन उस खाने में मिलाते हैं। तो अगर आप फार्म मेड फीड खाना खिलाना चाहते हैं तो आप रूपचंदा मछली का पालन ना करें। अगर आप कमर्शियल फीड खिलाना चाहते हैं तब आप रूपचंदा मछली का पालन करिए, और उस फीड में फिश मील की मात्रा होनी चाहिए। लगभग प्रोटीन की बात करें तो स्टार्टिंग में आप 10 ग्राम के बच्चे को लगभग आपको 38% प्रोटीन वाला खाना खिलाना पड़ेगा, धीरे धीरे 35, फिर आपकी 32, फिर 30, इस प्रकार से
महीने के हिसाब से खाना का जो प्रतिशत है उसको घटाते जाना है, और जितनी इसकी फिट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको फीडिंग कराना है। इस मछली को बड़ा होने में लगभग 6 महीने लगती है। आसानी से 6 महीने में ये 900 ग्राम 800 ग्राम तक पहुंच जाती है, और मैक्सिमम वेट इसका 1 किलो बहुत कम जाती है, 800-900 ग्राम तक ये मछली पहुंच जाती है। बाकी बीमारी ना लगे इसके लिए आपको समय समय पर लाल दवा का प्रयोग करना है, पोटास का, समय समय पर पॉन्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, और खाने में आप थोड़ी मात्रा में कभी कभी उसमें नमक डाल सकते हैं, थोड़ी मात्रा में आप विटामिन मिनरल मिक्सर डाल सकते हैं, और सॉयल एंड वाटर प्रोबायोटिक्स का ज़रूर समय समय पर प्रयोग करिए। उसके अलावा आप पानी के पैरामीटर्स को चेक करने के लिए आप वाटर टेस्टिंग किट ज़रूर खरीद लीजिए, ताकि आप डीजोल ऑक्सीजन, अमोनिया, पीएच, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको आप समय समय पर नाप पाए, क्योंकि जब तक हम लोग अपने सॉयल एंड वाटर पैरामीटर्स को नहीं चेक करेंगे तब तक अपने को ये अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि हमारे वाटर पैरामीटर्स किस प्रकार बिहेव कर रही हैं। और इस रूपचंदा मछली में एक बीमारी लगती है ई वेस करके, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, जिससे मछली के शरीर में लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, रेड पैचेस दिखाई देती हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए आपको अपने तालाब में सीफेक्स का प्रयोग करना है। लगभग 500 ml पर एकड़ के हिसाब से अगर आप सीफेक्स डालेंगे तो इस मछली से आप इस बीमारी से आपकी मछलियों को छुटकारा मिल जाएगा। बाकी जितने अच्छे से आप वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन रखेंगे और मछली को सही समय पर खाना खिलाएंगे तो आपको रूपचंदा मछली के पालन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको इस मछली को दूसरे मछली के साथ नहीं पालन करना है। कोशिश करिए कि सिंगल स्पीसीज ही आप रूपचंदा मछली का पालन करिए। आसानी से आप इस मछली को 6 महीने में तैयार कर लेंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा, क्योंकि ये मछली बहुत अच्छा ग्रोथ परफॉर्मेंस है इस मछली का, बशर्ते आपको इस मछली को ऐसे मार्केट में सेल करना है जहाँ पर इसका प्राइस अच्छा मिले आपको, क्योंकि बहुत जगह ये होता है कि रूपचंदा मछली का डिमांड हर जगह नहीं होता, लेकिन जिस रीजन में या फिर आपके आसपास मंडी वगैरह होगा तो वहाँ पर रेट जरूर पता करिए, मार्केट प्राइस जरूर पता करिए, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को प्रॉफिट कमाना है। अगर मार्केट में इसका प्राइस आपको अच्छा मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह में मार्केट प्राइस अलग अलग होती है ना, तो उसके हिसाब से ही आपको रूपचंदा मछली का पालन करना है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।